आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा प्रभावकारी रूप से अवरोधक या द्वारक से अनंत दूरी पर है तो प्राप्त विवर्तन पैटर्न को रिक्त स्थान विवर्तन कहा जाता है, अन्यथा रिक्त स्थान विवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए हमें बताया जा रहा है कि अगर जो प्रकाश की जो विवर्तन होती है, प्रकाश के विवर्तन की घटना क्या होती है पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई अवरोधक है, अपारदर्शी अवरोधक है। ठीक है, जब इसे प्रकाश के मार्ग में रखा जाता है, ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है कि इस अवरोधक से टकरा करके इस तरह से मुड़ने की घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकाश की ये मुड़ने की जो घटना होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की विवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, मुड़ने की घटना जो होती है वह क्या कहलाती है, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, और जब ये प्रकाश यहाँ पे अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यहाँ पे क्या बनता है, एक काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य या कह सकते हैं न्यूनतम हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो छाया का बनना जो होता है वो विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन के कारण ही संभव होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी विवर्तन की घटना होती है जब इस पर प्रयोग किया गया तो दो प्रकार के विवर्तन की जो घटना थी दो भागों में इसे बांटा गया था। पहला विवर्तन था फ्रॉनहॉफर विवर्तन। ठीक है, और दूसरा क्या बांटा गया, फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया था। उनके नाम पे दो तरह के विवर्तन पाए गए, उन्होंने नाम दिया फ्रॉनहॉफर विवर्तन और फ्रेनेल विवर्तन। और फ्रॉनहॉफर विवर्तन और फ्रेनेल विवर्तन में मुख्य अंतर यही था कि अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्लिट है। ठीक है, हमने एक इस तरह से अपारदर्शी कोई कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, और उसमें हमने ए चौड़ाई की इसमें छिद्र कर दी है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत ऐसे रखा है और इससे अनंत दूरी पे, मतलब ये जो पर्दा होता है ये काफी दूर होता है, जिसके कारण ये जो पर्दा है ये क्या है, इसे काफी दूर है स्लिट से। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है तो ये स्लिट के किनारे से क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, विवर्तित होकर के, ठीक है, पर्दे पे क्या बनाती है, हमें फ्रिंज प्राप्त होता है। और फ्रिंज प्राप्त करने के लिए इस फ्रॉनहॉफर विवर्तन में हम एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करने का क्या मतलब है कि चूंकि पर्दे काफ़ी दूर होते हैं स्लिट से तो जो भी प्रकाश जाती है, ठीक है, वो पर्दे पे पूर्ण रूप से विवर्तन प्रतिरूप नहीं बना पाते, जिसका अवलोकन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो चूंकि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस की प्रकृति जो होती है वह अभिसारी लेंस होता है, जो भी समांतर किरणें आएंगी उसे क्या करेगा, एक बिंदु पे केंद्रित करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी किरणें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, वो क्या होगी, उत्तल लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप हमें पर्दे पे एक बिंदु पे फोकसित मिलेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विवर्तन प्रतिरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, हमें विवर्तन प्रतिरूप मिलता है और केंद्रीय भाग पे भी हमें इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये देखिए विवर्तन में क्या होता है, जो हमारा केंद्रीय भाग पे जो हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है तीव्रता का, वो सबसे अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर जो हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है उसकी तीव्रता क्या होती है, क्रमिक रूप से घटते चले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। सबसे अधिकतम तीव्रता कहाँ होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट में, फिर तीव्रता क्या हो जाती है, वो घटते चले जाती है। इस तरह से हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो ये होती है फ्रॉनहॉफर विवर्तन, जब जो स्लिट है उससे पर्दे अनंत दूरी पे रखा हो। ठीक है, और फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन जो आसानी से उन्होंने क्या था कि एक स्लिट लेकर के, ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक स्लिट लिया, उसमें ए चौड़ाई की एक छिद्र बनाई, ठीक है, और एक पर्दा रखा, और पर्दे की जो दूरी थी वह स्लिट से एक निश्चित दूरी पे रखी, मान ले रहे हैं कैपिटल डी पे रखा उन्होंने। ठीक है, और इसकी चौड़ाई उन्होंने ए ली। ठीक, इस तरह से प्रकाश स्रोत लिया और इस तरह से यहाँ पे प्रकाश विवर्तित होकर के क्या हुआ, हमें क्या मिला, यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप मिला। ठीक है, और जो तीव्रता प्रारूप होते हैं यह इसी प्रकार से फ्रेनेल विवर्तन में भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मान लेते हैं ये जो जा रही है ये थीटा कोण पे जो भी तरंगे हैं वो जा रही है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई प्लस माइनस लैम्डा बाई ए होता है, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, प्रयुक्त प्रकाश का प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य होता है, और ए क्या है, ये स्लिटों के बीच की दूरी है, ठीक है। और प्लस माइनस का अर्थ होता है कि ये पर्दा पे जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है यह एक तरह से पर्दे को दो भागों में बराबर भागों में बांटता है, और ऊपर वाले भाग में जो भी तीव्रता हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग प्लस में लेते हैं, और जो नीचे होती है उसे हम लोग माइनस में मतलब ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। बस ये यहाँ पे ये सूचित करता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि साइन थीटा से लैम्डा बाई ए होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी क्या होती है, अनंत होती है, और फ्रेनेल विवर्तन में स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी पे होती है, ठीक है। तो अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश स्रोत पर्दा प्रभावकारी रूप से अवरोधक या द्वारक, अवरोधक या ये द्वारक जो हमने बनाया है, अनंत दूरी पर हो तो प्राप्त विवर्तन पैटर्न को क्या कहेंगे, तो इसे कौन सा विवर्तन कहेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन कहेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब पर्दे अनंत दूरी पे नहीं है तो इस तरह के विवर्तन को हम क्या कहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन, ठीक है, फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।